सम्मानीय शिक्षकों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य, पूर्व दूरदर्शन शिक्षक। ट्रांसफर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में रहे हैं। सम्मानीय शिक्षकों, आइए एक एक ट्रांसफर से संबंधित जिज्ञासा का समाधान करते हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस का समाधान इस ऑर्डर में आ चुका है, पर ये ऑर्डर कैसे पढ़ना है, इसको कैसे समझना है, एक एक बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सम्मानीय शिक्षकों, शिक्षा नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर शिक्षा से संबंधित क्रिएटिव आइडियाज और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए एक एक करके। सबसे पहले तो ये ऑर्डर 27 तारीख को ही निकला है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं थी जो इनका समाधान किया गया है। सबसे पहले जो सीएम राइज मॉडल स्कूल एक्सीलेंस वाले टीचर्स थे, वहाँ के टीचर्स को नियुक्त रोक दिया गया था। कब तक के लिए रोका गया था, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, वही स्थान मिलेगा कि नया स्थान मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अगर ट्रांसफ़र रोका जा रहा है तो जिस स्थान पर मुझे जाना था वो भर जाएगा। तब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें हैं। और जिनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका है उनको ये लग रहा है कि कैसे रिलीव होना है, किसके पास जाना है, सारे समाधान इसमें हैं। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो DPI संचालनालय कि संदर्भित पत्र 21/10/2022 द्वारा निर्देश किया गया था, उन्हें कार्यमुक्त ना किया जाए। किनको? सीएम राइज एक्सीलेंस और मॉडल वालों को, कि उनको कार्यमुक्त ना किया जाए। तो इसको यथावत रखा गया है, पर संख्या ये थी कि अगर कार्यमुक्त नहीं किया गया, जहां हमने चूज किया था वो भर जाएगा, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है। सीएम राइज विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूलों में कार्यरत चयनित एवं नव नियुक्त दोनों शिक्षक ले लिए। शिक्षकों जिनका स्थानांतरण हुआ है उन्हें इस सत्र की समाप्ति तक भार मुक्त ना किया जाए, ये तो फिक्स बात है, उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। तो कब मुक्त होंगे वे? उन्हें 2022-23 समाप्ति उपरांत, ये समाप्ति उपरांत उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। और कहां पर? स्थानांतरित संस्था के लिए, यानी जहां का उन्होंने स्थान भरा है और यदि वो मिल गया है तो उसी संस्था के लिए स्थानांतरित किया जाएगा, वो स्थान नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा शेष जो सभी शिक्षक हैं उनको स्थानांतरित किया जाएगा। अब देखते हैं आगे और कैसी कैसी व्यवस्था चलती है। पत्र 19/9/2022 द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर सालावार शिक्षकों की पदस्थापना अद्यतन के निर्देश किए गए थे। एक डाउट ये है कि अगर उस संस्था में वो पद खाली नहीं है तो फिर हम अतिशेष में वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ का प्राचार्य या वहाँ का DO हमें ज्वाइन नहीं करने देंगे क्योंकि वहाँ पोस्ट ऑलरेडी भरी है। इसका भी समाधान इस पत्र में दिया गया है। देखते हैं क्या है इसमें कहा गया है। स्थानांतरण आदेश जारी करते समय जिले द्वारा शालाओं में शैक्षणिक अमले की पदस्थापना एवं जानकारी अद्यतन स्थिति के आधार पर ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया संपादित की गई है, यानी आज की स्थिति में कौन कौन से स्थान खाली थे इस हिसाब से ट्रांसफर किया गया है। अतः किसी भी लोक सेवक को होल्ड पर नहीं रखा जाएगा, यानी आपको जो स्थान मिल गया है वहां ज्वाइन करना है आपके लिए, वो स्थान मिलके रहेगा। राज्य स्तर के जारी होने वाले समस्त स्थानांतरण आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। तो जो भी स्थानांतरण आदेश है उनका पालन किया जाना अनिवार्य है। दूसरा, स्थानांतरित लोक सेवक की सूची आदेश संबंधित जो भी है वो संकुल प्राचार्य जिला शिक्षाधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होते हैं कि मेरे संकुल में या मेरे जिले में इतने लोगों का ट्रांसफर आदेश आया है। तो वो सभी जिला शिक्षाधिकारी और संकुल प्रभारी उस ऑर्डर को पढ़ें और वो लिस्ट देखें कि किन किन का आदेश हमारे यहाँ आया है। आगे पॉइंट जो आया, समस्त ऑनलाइन स्थानांतरण आदेशों द्वारा स्थानांतरित लोक सेवकों को अनिवार्य रूप से कार्यविवरण कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट था कि ये स्वैच्छिक स्थानांतरण था, परंतु इन्होंने ये कह दिया है कि जिसको जो स्थान मिला है वो अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए, यानी अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही संचालन को अवगत कराया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थानांतरित शिक्षकों की कार्यमुक्ति एजुकेशन पोर्टल के एम्प्लॉय रिलीविंग ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाना है, यानी आपको अपने ऑर्डर की प्रति लेके संकुल प्राचार्य के पास जानी है और कुछ नहीं करना है, आगे वो देख लेंगे। संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों का परीक्षण करें। वह परीक्षण करेंगे और सारी चीजें देखने के बाद आपके लिए रिलीव कर देंगे। अब आप रिलीविंग लेके कहाँ जाएंगे? जिस संस्था में आपका ट्रांसफर हुआ है वहां जाने के बाद आपको क्या करना है? कार्यमुक्त शिक्षक को नवीन पदांकित संस्था पर कार्यवरण करने की कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल के एम्प्लॉय ज्वाइनिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर आपकी मतलब कंप्यूटर के इस व्यक्ति को, यानी इस साइट पे आपको ज्वाइन करना है। यह जिम्मेदारी किसको है?
संकुल प्राचार्य को कराना है, संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि वह सारे उसके कागज चेक करेगा और फिर उसको ज्वाइन कराएगा। अगला, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त या कारग्रहण करने की प्रगति प्रतिपादन ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे कि कितने लोग कार्यमुक्त हो गए, कितने लोगों ने ग्रहण किया, ये सारी चीज़ें उसको डे टू डे बाई डे अपडेट रखना है और संज्ञान में लाते हुए तुरंत कार्रवाई, किसी को समस्या होगी तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करना है। आगे कहा है, कार्यमुक्त और कार्यग्रहण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई लेख सेवक जनजाति विभाग का ना हो। ये अलग मैटर है, जनजाति का नहीं होना चाहिए। स्थानांतरित शिक्षक का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शाला का संकुल परिवर्तन हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त ग्रहण किया जाएगा, यानी वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाएगी। तो बहुत अच्छी, बहुत सारे डाउट्स जो थे इस ऑर्डर के माध्यम से क्लियर हो गए। धन्यवाद वर्मा जी, धन्यवाद शिक्षा विभाग, और आप सबने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।